के नीचे का हिस्सा मतलब बिल्कुल मतलब सुन्न हो गया था, मतलब मूवमेंट ही नहीं आ था बिल्कुल। एक डॉक्टर ने जाकर कही कि ये चल नहीं पाएंगे, मतलब जो बैठा सकते हैं चला नहीं सकते मतलब कभी है। और उसके बाद डॉक्टर ने कही फिजियोथेरेपी इनकी बहुत जरूरी, मतलब एंटीबायोटिक दवाई कुछ काम ही नहीं करी, इसकी सोच है एक्सरसाइज ही समझो। मैं ठान लिया है कि गाना मतलब कहते मेरे भाई को नाराज हो जाता है कि तुम दुकान पे बैठे हो, हम कहा दुकान पे तो जिंदगी बैठे रहेंगे, अगर चल लेंगे तो अपने पैरों के सहारे के तो नहीं रहेंगे, क्या सोच तो कैसे हैं? बढ़िया फाइन हूं, गुड। ओके, और आपका हेल्थ कैसा है? तबीयत सही है। ओके, पूछूंगा तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितना महीना हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, घर वाले को क्या रिएक्शन था, और कितना टाइम हुआ और कितना रिकवरी आया, इसके बारे में बताइए सबसे पहले। मेरा एक्सीडेंट 15 जुलाई 2020 को दिन बुधवार को हुआ था। ओके, उसी दिन मेरा मतलब 11th का पेपर हुआ था, मतलब देकर आए थे, तभी हम अपने दोस्तों के संग चले गए थे बताइयों घूमने, मतलब ऐसे ही शौक में। ओके, तो उधर से आ रहा है तो ऑटो पे थे, ऑटो पे मतलब तो उधर से आए, ये लगा कि कोई नीलगा आगे आ गया टेम्पो के आगे। ओके ओके, असल में ड्राइवर था वो ड्रिंक किया हुआ था मतलब जी, और ऑटो भी तेज चला रहा था मतलब, तो हमने उससे भी कहा था कि हल्के चलो मतलब दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मुझे अंदाजा था मतलब, तो हमने कहा हल्के चलो, देखो थोड़ी देर 1 किलोमीटर चल पाएंगे, तो ये लगा नील का आगे आ गया होगा टेम्पो के आगे जी। तो हम जब एक साइड टेम्पो जब टकराना उसके आगे, तो हम पीठ भर मतलब स्पाइन भर पीछे गिर गया रोड पे पीछे मतलब टेम्पो के। ओके, और टेम्पो पे मतलब सब लोग 5 लोग हुए मतलब सब 5 दोस्त थे मेरे, 5 लोग मतलब उनके एक भी उंगली भी नहीं टूटी, खरोच भी नहीं आई, जो कुछ आई मेरे ही आई है। ओके, सबसे पीछे बैठे थे क्या? ना बैठे हम ड्राइवर के पास में थे मतलब आगे ही सबसे मतलब। ओके, हाँ हमारा दोस्त एक था वो भी मतलब आगे बैठे, 3 लोग आगे बैठे थे और 1 लोग पीछे बैठे, 2 लोग मतलब थे। ओके, जब एक्सीडेंट हुआ था तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया मतलब, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मतलब। ओके, हाँ तो मेरे दोस्त ने कहा आप खड़े हो, तो हमने खड़े नहीं हो पाएंगे मतलब, जान बिल्कुल मूवमेंट शरीर में, ताकत ही बिल्कुल नहीं रही शरीर में, तो कि उठ पाए इतने ताकत नहीं रहा था। ओके, तो उसके बाद जहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, पहले टेरिस लेके गए 2 किलोमीटर आगे तक, हाँ अभी उसके एम्बुलेंस आगे मतलब पुलिस को प्रशासन ने पुलिस एम्बुलेंस बुला ली थी मतलब। ओके, हाँ तो फिर एम्बुलेंस से गए, तो इधर मेरा फोन कर दिया था मेरे दोस्त ने, मेरे भाई और पापा चल पहुँच गए बाइक से, तो हम मन मतलब पहुँच गए थे जिला डिस्ट्रिक्ट में, इतना पेन हो रहा था चिल्ला रहा था मतलब पूरी रात मतलब पेन की वजह से, इतना पेन हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँच गए थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी मतलब, MRI या सीटी स्कैन वगैरह मतलब एक्सरे वगैरह हो गए थे मतलब, और हमारी खुली हुई चोट खाई है शोल्डर पे खाली लग गई थी, और गट्टे नहीं एंकल दो गट्टा मतलब गट्टा टूट गया था मतलब, तो वहाँ पे टाके आए तो उन्होंने कही केस ये गंभीर है मतलब, डॉक्टर साहब ने कही, तो उन्होंने कही जांच कर ले, तो उन्होंने कोई एक्सरे वगैरह किया होगा मतलब, हाँ तो उन्होंने कहा ना यहाँ तो इतनी सुविधा नहीं हो पाए, तो आप अलीगढ़ लेकर जाओ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम बदायूं जिले के, तो कहे तो अलीगढ़ लेकर जाओ, कोई बरेली लेकर जाओ, तो बरेली तो हमारे यहाँ से मतलब 70 किलोमीटर है यहाँ से घर से, और अलीगढ़ पड़ता है 160 किलोमीटर, तो ये अलीगढ़ तो दूर पड़ जाएगा, तो इसलिए कहा ना हम बरेली चले गए मतलब, रात के 8 बजे वहाँ से निकल गए थे बदायूं से बरेली के लिए थे। ओके, एम्बुलेंस से, तो उस समय इतना मतलब दर्द हो रहा था कि समझ में नहीं आया क्या करें मतलब। ओके, तो डॉक्टर ने जो फर्स्ट एड था उसको नहीं दिया, दवाई वाई सब मेडिसिन स्टेज, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा आप यहाँ से नहीं आते दिखाओ जाकर मतलब, इस पर उन्होंने बता दी कि रीढ़ में दिक्कत आ गई मतलब। ओके, हाँ फिर हम बरेली पहुंचे, तो राय से 10-11 बजे पहुंच गए, तो हॉस्पिटल में गए थे प्राइवेट मतलब, तो वहाँ गए मतलब दर्द इतना होता है चिल्ला रहा था बुरी बात मतलब, फिर डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाया मतलब दवाई चढ़ाई मतलब दर्द के लिए पहले कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो दर्द कंट्रोल हो गया मतलब बंद हो गया मतलब, फिर MRI रात के ऐसे होगी 2 बजे MRI कराई होगी डॉक्टर ने वहीं की। ओके, तो MRI के होने के बाद उसके बाद रिपोर्ट की सुबह, आप रिपोर्ट सुबह आएगी मतलब, वो तो अभी तो आ नहीं पाएगी, तो हमें एडमिट कर दिया मतलब, एडमिट लगे थे ही थे मतलब, तो जब MRI सुबह आई तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई मतलब, ऐसी दवाई से मतलब ठीक कर देंगे हो जाए, तो का समय दिया था कि 72 घंटे में, अगर जी इनका ऐसे ही मूवमेंट आ जाए पैरों में तो अच्छी बात, नहीं तो ऑपरेशन नहीं करने पड़ेगा। हाँ तो उन्होंने 72 घंटे का ना दवाई चलाई थी, उसके बाद फिर मूवमेंट नहीं आया, फिर मतलब ज़्यादा चिंता हो गई सब लोगों की, 72 घंटे हो गए, तो उसके बाद फिर मतलब उनके ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो और मतलब आसपास बरेली में जितने हॉस्पिटल थे वहीं सब ने दिखाया मतलब शीघ्र मतलब, तो उन्होंने कहा ये कि ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के ये नहीं मतलब हो सकते मतलब।
ऑपरेशन ही फिर बात चली, फिर शिकायत डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना भैया, ऑपरेशन तैयारी वही थी। एक डॉक्टर ने जा कही कि ये चल नहीं पाएंगे, मतलब जो बैठा सकते हैं चला नहीं सकते मतलब कभी है। और ये कौन से लेवल पे हुआ था? ये मतलब स्पाइन का हुआ था, ये नहीं मालूम लेवल कौन सा, ये मतलब कमर के नीचे का मतलब सुन हो गया था, ऐसे आयल होगा डी होगा, जो डी होगा मतलब। अच्छा डी लेवल पे था? डी लेवल होगा, मतलब डी लेवल है। ये रिपोर्ट में जो MRI निकला है उसपे मेंशन किया रहता है कौन से लेवल पे आपको चोट लगी है? उसपे डी लिखा था, D1। अच्छा D1 लिखा था, देखा था उसपे डी लिखा था। ओके ओके, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? 72 घंटे हो गए फिर? 72 घंटे हो गए फिर, क्योंकि ऑपरेशन की तैयारी की थी तो पैसे भी जमा कर दिए, तो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने सब ने ये कहा था कि मतलब यहाँ का ऑपरेशन वहाँ कराओ जिससे बेस्ट हॉस्पिटल हो, सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ कराना। जी जी, वहाँ सब लोगों ने सलाह की थी, तो कोई ये हॉस्पिटल खैर इस लाइक को नहीं है, मतलब जिसने आपने एडमिट कराया है, तो ये हड्डी के मामले में मतलब एक हॉस्पिटल अच्छा आता सिद्धिविनायक मतलब, तो वहाँ दिखाया, उन्होंने भी बताया कि गाना ऑपरेशन करना पड़ेगा और आगे की प्रक्रिया वो बताएंगे आपको। तो ये वहाँ से छुट्टी पैसा जमा करा लिया, फिर जैसे तैसे मतलब पैसा तो वापस आ गया मतलब जरिए से, फिर वहाँ से छुट्टी कराई थी मतलब रविवार को, मतलब ऐसे 3 बजे छुट्टी हो गई थी मतलब आप ऐसे 3-4 दिन बाद है। ओके, तो रविवार को छुट्टी हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल में दूसरे सिद्धिविनायक कराना था हॉस्पिटल में, तो उसी में आ गए मतलब। फिर डॉक्टर ने किया कहा आज हम नहीं कराएं, आज हॉस्पिटल नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, कल करेंगे मतलब मंडे को मतलब। ओके, मंडे को ऑपरेशन करेंगे, तो मंडे को ऑपरेशन का भी एक टाँका भी लगा नहीं शरीर में, इतना डर लग रहा था कैसे का होगा, कितना पेन होगा मतलब कि जिंदगी को एक टाँका नहीं, सोच सोच के लेट लेट सोचते थे मतलब कि एक टाँका नहीं लगा कैसे का होगा मतलब, तो यही बात सोच रहे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने फिर ऑपरेशन किया था 11 बजे के टाइम पे, 11 बजे गए तो ऑपरेशन हुआ था मतलब, और 2 बजे मतलब वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में से निकाल दिया था मतलब। जी, जब निकला था मैं तब भी मतलब होश था, तो गया तब भी होश था मतलब। ओके, तो फिर उसके बाद अब डॉक्टर मतलब आते थे सुबह मतलब रूम पर वहीं हॉस्पिटल मतलब देखने के लिए, हाथ पैर चलवाते थे मतलब, बताते कि ऐसे हाथ चलाते रहना, पैर दिखाते रहना मतलब, उस टाइम मतलब कमर के नीचे का मतलब बिल्कुल मतलब सुन्न हो गया था मतलब, मूवमेंट ही नहीं आता बिल्कुल। ओके, तो फिर डॉक्टर आते थे चले आते, फिर उन्होंने बेल्ट उनवाई थी मतलब, हर फ्राइडे मतलब डॉक्टर आता है मुरादाबाद का, बेल्ट मतलब जितनी चीजें बेल्ट है मतलब सूज वगैरह बनाते हैं वो हर फ्राइडे को आता है मतलब। तो वो सोमवार का मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 5 दिन बाद मतलब फ्राइडे को डॉक्टर आया था, उसने बेल्ट का नाप लिया था, फिर अगले फ्राइडे डॉक्टर आया, फिर बेल्ट उसने दी मतलब फिर बांधी, उसके बाद का ना 15 दिन बाद छुट्टी हुई थी मेरी, 15 दिन बाद छुट्टी, फिर चले आए, 15 दिन बाद छुट्टी हो गई मेरी ना। ओके, उसके बाद डॉक्टर ने कही फिजियोथेरेपी इनकी बहुत जरूरी मतलब है। जी, फिजियोथेरेपी यहाँ तो कुछ सुविधा थी नहीं मतलब, भाई बरेली में सुविधा थी मतलब, ऑपरेशन के 15 दिन बाद मतलब वहां से आ गए थे मतलब। ओके, मतलब ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन कितने दिन के बाद हुआ? ऑपरेशन 5 दिन बाद मान लो, 5 दिन बाद हो गया था। अच्छा, ऑपरेशन मतलब हो गया था उधर ही रायबरेली के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में। ओके, तो वहाँ के डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने दिन के बाद चलोगे, क्या चलोगे कि नहीं चलोगे? हाँ, उन्होंने मैं कहा था कि गाना आपको 1 साल लग जाएगा चलने में मतलब। ओके, हाँ 1 साल स्क्रू पड़े थे मतलब मेरे उसी तभी तो। जी हाँ, तो 1 साल लग जाएगा, तो उसी चक्कर में थे कि आज ना कल मतलब, उन्हें पहले कह दिया कि फिजियोथेरेपी कराना नहीं, जरूरी फिजियोथेरेपी है। जी हाँ, तो उसके बाद जब मतलब जो ऑपरेशन हुआ था मतलब दर्द तो बिल्कुल बंद ही हो गया मतलब, फिर तो हो ही नहीं जाता मतलब। जब हमारी छुट्टी होकर घर पे आई थी तो मतलब 24 घंटे बाद दर्द हल्का हल्का होने लगा, सीधे बारे पैर में मोटी जंग में। ओके, हल्के हल्के दर्द होने लगा, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अब दर्द हो रहा है तो मतलब मूवमेंट आ रहा है मतलब, पैरों में मूवमेंट आ रहा तभी दर्द हो रहा है, वैसे नहीं तो अपने आस ही मतलब अच्छा लगा सबको मतलब, जब दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे दर्द हो रहा है कोई बात ना है। फिर हम सितंबर को चले गए मतलब, 15 दिन रुके हैं घर पे छुट्टी के बाद यहाँ घर पे, फिर हम बरेली फिर चले गए, अपना रूम लिया था एक, और वहीं फिजियोथेरेपी कराई थी। ओके, फिजियोथेरेपी कराई थी, तो डॉक्टर ने कही हमें टाइम दे, जब 15 दिन में मूवमेंट देगा आगा तो हम बता देंगे आपको। जी, तो मूवमेंट मतलब आया धीरे धीरे, 1 महीने बाद मतलब आने लगा सही से मतलब। ओके, तो मतलब पहले कौन सा मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, पैरों की उंगलियां हिलना ये क्या मतलब? नहीं, उंगली अभी भी नहीं चल रही मतलब, जैसे पैर सीधा होता था। हाँ। सीधा सीधा पड़ा, जैसे घुटने उठा उठो तो नहीं उठता था मतलब, पैर ऊपर उठता नहीं बिल्कुल, कहीं था।
दीप ऐसे था पैर तो ऐसे ऐसे उठता था ऊपर को, मतलब होता तो हम ये कहते थे भगवान आज इतना उठा आज इतना उठ जाए, कल इतना ऐसे उठ जाए, आस लगी थी ऊपर वाले की इतना उठ जाए, मतलब तो एक अगर आस लग जाती किसी चीज को अच्छा काम हो तो पैर तो उठ रहा, लेकिन जगह कल लोगों को तो आज हो जाए, मतलब सब कुछ है नहीं है। हाँ तो मतलब मूवमेंट मतलब आने लगा तो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कराने लगे तो कहना अपने घर घर आएगा तो बहरा बिल्कुल अच्छा ना लगा, मजबूरी में कुछ भी रहना पड़े तो मैंने ज्यादा बहुत काटी कर 3 महीना मतलब वहाँ फिजियोथेरेपी कराई हमने थी। ओके तो 3 महीने में आपको मतलब फिजियोथेरेपी कराया जो 3 महीना वो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ फिजियोथेरेपी रिजल्ट मिला, उस समय दर्द भी होने लगा खूब मेरा मतलब। ओके हाँ दर्द होना फिजियोथेरेपी का, फिर हम अपने घर पे चले आए थे और उसी टाइम डॉक्टर ने कही कैलिपर आपको बनवाने हैं मतलब। ओके हाँ हमने ऑपरेशन के ऐसे ही 3 महीने बाद डॉक्टर ने शायद बताया होगा कि आप कैलिपर बनवा लेना, ये नहीं क्या कैलिपर बनवा, ये क्या सूजन वाले, हमका सूजन मतलब सादा वाले बनवा जानते नहीं बिल्कुल थे। हाँ तो हमने मतलब उस चीज पर डील कर दी, मतलब कैलिपर हमने क्या करने का चलन आज ना कल नहीं पड़ते चलन लगा कैलिपर क्या करने बनवाए गए, उस तक हम ढील पड़ गई तो हमने कैलिपर नहीं बनवाए। तब उसके बाद हम चले आए घर पर, असल में आते तब भी नहीं, हमारे भैया की वो धरी गई थी उसके चक्कर में और आ गए थे हम। ओके हाँ तो उस चक्कर में आ गए, फिर 2 महीने बाद शादी होने तैयारी होने लगी है तो उसी चक्कर फिर हम द्वारा पे गए ही नहीं मतलब। 2020 में एक्सीडेंट हुआ था, 2021 में मार्च की शादी थी और शादी के बाद मेरा दर्द बढ़ने लगा जब गर्मी बढ़ने लगी मतलब को हुआ। ओके हाँ उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ने लगा दर्द बुरी बात, बहुत परेशान है इतने घर में आया चलती है सिगरे मारा थे, हर 15 दिन में 1 महीने डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई दवाई लिख देते सिगरे मतलब दिखाया मतलब दर्द के तो दर्द कही गई होगा कि दर्द होगा कि ज्यादा हो तो इंजेक्शन लेना मतलब दवाई लिख देते मतलब जी जी। हाँ फिर जब नया दर्द कंट्रोल हुआ फिर हम ऑल इंडिया एम्स गए थे मतलब 2021 में सितंबर में पहली बार, फिर हम पहली बार गए तो डॉक्टर ने हमारे सिटी स्कैन कराया था तो उसकी रिपोर्ट मिल नहीं पाई तो कोई दोबारा आना, फिर हम दोबारा फिर गए अपने यहाँ से घर से गाड़ी करके तो दोबारा गए तो डॉक्टर साहब तब भी नहीं मिल पाया कुछ चक्कर मतलब देख ली हाँ जा कह दी मतलब ये स्पाइन चोट ऐसी है डॉक्टर देख के समझ जाता है कि इसमें टाइम लगता है नहीं तो उन्होंने कही खिलाफ पिलाओ एक्सरसाइज करो और ताकत आएगा टाइम लगेगा मतलब जी। हाँ जब पहली बार हम गए थे एम्स में तो डॉक्टर ने ये कहा था कि कहना इसकी स्पाइन कोड जो है इसे 15 महीने में पेशेंट चलने लगता है वैसे मतलब है। अब इंजरी के ऊपर बात होती है कौन सी इंजरी कैसी होती है कि 15 महीने में चलने लगता है जी तो, हाँ जब हम 15 महीना बीत चुके तो हमें मन में जा लगे कि ये 15 महीने डॉक्टर साहब बाद हमें 1-1.5 साल हो जा रही है तो कोई बात ना, जब उन्हें सिटी स्कैन करा दोबारा गए तो दोबारा डॉक्टर मिलो उसने कहा ना देखो कहीं इसमें टाइम लगेगा कोई दर्द के ज्यादा दर्द के मारे गई मतलब दर्द ज्यादा हो रहा पेन हो रहा था कि दर्द को इलाज बता रही है तो कोई दर्द होगा इन टैबलेट लेके जाई थी मतलब तो फिर दोबारा लगा फिर कोई बात ना फिर हमारी 15 सितंबर या नवंबर में डेट लगी हुई थी एम्स में मतलब फिर हम दोबारा हाँ फिर एम्स में गए दोबारा थे तो फिर दोबारा डॉक्टर दिखाई किया मतलब उसने मतलब सब कुछ देखा मतलब ये कहाँ पे कितना मूवमेंट है कितना मूवमेंट नहीं है तो उसने भी एक लिखी साथ 2 महीने 1 महीने दवाई लिख दी थी मतलब और कहीं खाना और एक्सरसाइज करके मतलब कहीं भी गए हो तो जंप एक्सरसाइज जरूर बताइए एक्सरसाइज ही मेनी ही है इसमें और एक्सरसाइज तैयारी करने को पैसे दर्द के मारे इतना होता है कि बैठ ना पाते चाहे बैठे फेस टू फेस बात कर रहे बैठ ना पाते हम बहुत तो दर्द होता पहले था तो उसके बाद गए फिर हम मैदान था गए दर्द के मारे फिर दोबारा गुड़गांव में तो उन्हें डॉक्टर दिखा के सुधीर दुबे को डॉक्टर साहब ने तो उन्होंने उनको दिखाया उन्होंने भी ये कहा अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप स्क्रू निकलवा दो मतलब ये अगर ये स्क्रू नस को दबा रहे हैं डैमेज में दबा रहा है तो उसको ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो उन्होंने कहा स्क्रू का ना हो निकलवा तो हमने ऐसी चीज बताई अपने डॉक्टर साहब यहाँ बरेली विनायक को तो उन्होंने कहा ऐसा नस तो दब नहीं रही दब नहीं रही है लेकिन आप कह रहे हो तो हम निकालते हमने हम नहीं कह रहे डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो आप बता बात उन्हें जाकर मैदानता वालों की आप हमारी बात करा देना उनसे डॉक्टर साहब से तो हमने डॉक्टर साहब बात कर लो तो जो जे डॉक्टर है सिद्ध बिना के और जो मैदानता में सुधीर दुबे जे एक संग पढ़े लिखे हैं सीनियर और जूनियर है मतलब हमारे बता रहे थे मतलब हमारे एक साथ पढ़ाई हुई बता रहे मेरे तो मैंने उनसे बात कराई थी कि हम दो भी हम सीनियर भी जूनियर मतलब हैं तो उन्हें ठीक है हमें डेट दिया 1 महीने बाद कही आप आना नहीं हम बाहर जा रहे हैं तो 1 महीना बाद स्कूल निकाल देंगे मतलब तो 25 दिसंबर 2021 को हमने स्कूल निकलवाए थे मतलब दुबे। ओके हाँ तो स्कूल निकलवाए थे फिर उसके बाद 8 दिन एडमिट रहे हैं फिर भी मतलब तो एडमिट रहने के बाद फिजियोथेरेपी छोड़ के यार उसके बाद हमने एक्सरसाइज में तो कही नहीं जब दर्द हो रहा है तो करे कहाँ से मतलब है तो
हाँ स्क्रू निकलवाए थे मतलब, फिर हम चले आए दर्द मतलब तो दर्द ठंडा टाइम था मतलब, तब एक इधर बुलंद शहर जगह एक देसी दवाई बताई थी एक लोगों ने मुझे, तो हम वो देसी दवाई लेने गए थे मतलब, तो उससे मेरे दर्द मतलब कुछ कम हुआ था, कुछ बहुत रिलैक्स मिला था मतलब उस दर्द से। स्कूल निकलवाने से नहीं हुआ जितना उससे दवाई खाने से हुआ मुझे। ओके तो वो दवाई हमने 8 दिन की लाए थे मतलब, फिर हमने 8 दिन खाई है, फिर हमें फायदा मिली, फिर हमने 8 दिन बाद और मंगाई तो फिर उस दवाई में फायदा ना मिलते, दवाई मंगाई है ना मुझे फायदा ना मिले, क्या करने 8 दिन मिली तो हमने खा ली थी, कोई बात ना मिली दवाई खाई, उसके बाद दवाई फिर ना मिली है। फिर जब 2020 तो निकली 21 निकली गई है, अब 22 आई 2022 है, अब वो दर्द का सीरियल चल रहा है मतलब, कहना रहे इतना दर्द बुरी बात है, सही करें मतलब दिखाया मतलब जाए, पहले गर्मी में जब होती तो 5-5 गोली खाते थे अल्ट्रासेट मतलब 20 रुपए की आती है एक, 5 गोली रोज खाते फिर भी दर्द अंदर नहीं हो रहा था मतलब, इतना पेन हो रहा था मतलब, दर्द मारे व्याकुल हो गए बिल्कुल, दर्द मारे गाना। तो फिर 2020 है, हाँ 20 में दवाई लाई वो देसी वाली थी, तो फिर दर्द ऐसे दवाई खाते रहते गोली मतलब सुबह शाम, सुबह शाम खाते रहते, एक्सरसाइज करते नहीं करते, कहाँ पर दर्द इतना हो रहा था कर नहीं पाते थे, कोई बात नहीं ऐसे करते करते ना अब 2023 आ गई मतलब 2023 होली से 8 दिन पहले फिजियोथेरेपी सेंटर खुला था छोटा हमारे यहाँ चौराहे पे मतलब। ओके हाँ तो एक लोगों ने बताया कि यहाँ सेंटर खुला, ऐसी ऐसी बात है मतलब, ऐसे मेरी तरह एक पेशेंट मेरा और मतलब मेरे गाँव में संग मेरे 15 दिन पहले लगे उनके बाद 15 दिन बाद उनका सर्वाइकल मतलब है एक पेशेंट, हाँ तो उनको भी दिखाया, तो उनको भी दिखाया हमने दिखाया, तो उन्हें डॉक्टर ने हाथ हाथ पकड़ के मेरे हाथ भी दिखाओ, तो हमने हाथ आगे मतलब तो उन्हें की मूवमेंट हाथ हाथ सही है पैर नहीं है, तो फिर कही हमने करा भैया हमें दर्द फायदा होना चाहिए, दर्द मारे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर फिजियोथेरेपी कराने के लिए मतलब जो लाइट वाला ना स्टिमुलर क्या बोलते करंट लगाते हैं स्टिमुलेटर, हाँ कोई लगाते थे 1.5 घंटे मतलब, और 2-3 मशीनें और भी लगाते थे मतलब, तो धीरे धीरे मतलब हमें फायदा मतलब एक संग जब फायदा ना मिले तो पैर हल्को ठंडा करो एक संग ऊपर गेला है, जब हम 4-5 दिन बाद पैर हल्को ठंडा करो तो हमने क्या फायदा हो रही तो हमने कराई गेले जब दो महीना कराई मतलब फिजियोथेरेपी माँ कहते हैं तो एक्सरसाइज करते थे लेकिन मन से नहीं करते थे मतलब, जो उसने बताया कि एक्सरसाइज करो हम करते थे लेकिन मन से नहीं करते थे सुबह शाम, फिर एक अचानक हम पाल चला रहे थे उसमें वीडियो देखने लगते वो ना स्पाइनल कोड में हमने बताया दिल्ली वाले नहीं सर अब आप पढ़ाते हैं उनकी एक वीडियो हमारे दिल पे छू गई मतलब। ओके हाँ उसी दिन से हमने आज कर ली कि गाना 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे चलेंगे तो भैया आज ना तो कल कहते पत्थर घिस तभी आग जलते है बिना पत्थर घिसे तो आग जलना चाहिए, तो उस दिन से मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब, अब एक्सरसाइज समझो हम 2 घंटा मतलब वो लगाते मशीन है और जो एंकल वाली मशीन है ये साइकिल है मतलब दिल निकल जाता है मतलब दिन छोटा पड़ जाता है समझो कहने का मतलब है, हाँ तो मतलब पहले मतलब पैरों में मतलब ताकत नहीं है ताकत भी मतलब है एंकल दौरे मशीन लगा पहले नहीं महसूस होता, महसूस भी होता है मशीन लगाओ तो टच करो तो मालूम, हाँ टच पहले जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया बोल रहे हैं दिन में मतलब दिन छोटा पड़ने लगा तो उसके बाद से कुछ रिजल्ट दिखा, हाँ तभी तो दिखा मतलब जब दर्द भी बंद हो तभी अच्छा लगता है एक्सरसाइज करते भी, जब दर्द ही बंद हो तो कर कहाँ से लूंगा जाता है वो जी, हाँ तो 3 महीने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो मैंने 3 महीने बहुत लगे पर मेहनत लगे पर एक देर रात जब हम शुरू शुरू में पैर उठाऊ तो हल्को उठ रहा हो तो उस दिन हमने 1 kg बांधा 2 kg बांधा 3 kg बांधा 4 kg वजन बांध के उठा लेते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 4 kg वजन बांध के उठा लेते हैं और 3000 पैडलिंग साइकिल कर लेते हैं और जो एंकल चलाने वाला आता वो भी 3000 चला लेते हैं, 1-1.5 घंटा चला लेते हैं दोनों, बहुत अच्छा। तो मतलब का मतलब है कि एक्सरसाइज एकदम जोरों में चल रही है और रिजल्ट भी दिख रहा है, हाँ अब कमर अमर मतलब पहले उठती नहीं थी ना घुटने पर बैठ नहीं पाते मतलब बैठी नहीं कभी घुटने पर ना कोड़िया बैठ पाते ना घुटने पर बैठ पाते हैं ना कमर इतनी भारी कमर उठती सब चीज उठने लगी मतलब कहने का मतलब है। ओके हाँ कमर भी उठा लेते हैं 20 बार मतलब 10-10 सेकंड होल्ड करके मतलब और आधा घंटा खड़े भी होते हैं मतलब सब कुछ करते हैं जो करते हैं, अब मतलब पहले मतलब उदास रहते थे कैसे टाइम कटे बैठे आते खाली अब टाइम कम पड़ जाता है मेरे समझे बात को, आपका फोन आया तो हम साइकिलिंग कर रहे थे तभी, तो अभी पहले और अभी में क्या फर्क है? पहले और 3 महीना पहले मतलब जो हम कोई मतलब बैठाता था मुझे तो हम गोदी लेके कंधिया लेके अब हम अपन स्टिक सारे मतलब बैठ जाते बैग बैठ जाते अपना मतलब और 2 किलोमीटर मतलब कैलिपर पहले चल लेते थे मतलब चला भी लेते कम कर दिया, मैं इतना चलना जरूरी नहीं मैंने इतना एक्सरसाइज जरूरी है ये ठान लिया वैसे।
मैं भी वही लोगों को बोलता हूँ, चलना उतना जरूरी नहीं है जितना एक्सरसाइज करना जरूरी। लोग जो बोलते हैं चलना है, आप चलोगे तब जब आपके सारे मसल काम करेंगे, जब आप अच्छे से हर चीज खड़े हो पाओगे, अपने एक्सरसाइज कर लोगे तब चल पाओगे अच्छे से। नहीं लोग मुझे यही रहता है कि मुझे चलना है, बोले भाई चलोगे कैसे, पहले आपके सारे पैर के मसल अच्छे से काम करेंगे तभी तो चल पाओगे। वो तो कैलिपर्स खाई बन जाएंगे आप, टहलने होने का मन बन जाएगा, आप जो नशे में ताकत होगी तभी तो पैर वजन आएगा मतलब। जी जी राइट राइट राइट, वो तो है। निखिल सर ने बताया था वीडियो की गाना चलना जरूरी नहीं, हमने जितनी मेहनत की एक्सरसाइज वो जरूरी है मतलब, तभी से हम चलना बहुत कम कर दिया मतलब, हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं मतलब। जी जी, तो 3 साल का सफर मेरा पूरा हो गया, 15 जुलाई निकल गई, जो आज 3 साल 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए मुझे पूरे। ओके, तो भाई 1 साल या 1.5 साल में लीलो कर देंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया, यही जज्बा चाहिए, मैं आगे अपना रिकवरी कर लूंगा। तो मैं अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि लोगों को क्या मतलब बोलोगे, जो भी एसीआई पेशेंट ये देखेंगे उनके लिए क्या बोलोगे? एसीआई पेशेंट सिर्फ यही बोलेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज ही जरूरी है और आपको करना क्या, बैठना ही है, इससे बढ़िया करना है खाली बैठे करना का, आप काम करोगे तो टाइम भी आपका निकल जाएगा और रिकवरी भी आएगी मतलब, कहने का मतलब ये है। और अगर आपके दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप यही मतलब ये मशीन मंगा लो, इससे बहुत राहत मिलेगी मतलब। अब पहले मैं 2 गोली खाता था, अभी 15 दिन पहले मतलब गोली उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी, खाली ये मशीन लगाते हैं तो बात दर्द में इतना रिलैक्स मिला मुझे। ये मसल स्टिमुलेटर की बात कर रहे हो? दर्द से इसमें बहुत राहत मिला मतलब, कहने का मतलब गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ रहा मुझे। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आपसे मतलब मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गाइस आप एक्सरसाइज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और ये रजत भाई से सीखिए कि लाइफ में कैसे एक्सरसाइज और कैसे अपनी इच्छा शक्ति मजबूत की जाती है और कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। बिना एक्सरसाइज के आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोई दवाई एंटीबायोटिक दवाई कुछ काम ही नहीं करेगी, इसकी सोच है एक्सरसाइज ही समझो। मैं ठान लिया है कि गाना मतलब मेरे भाई को नाराज हो जाता है कि तुम दुकान में बैठे हो, हम कहा दुकान पे तो जिंदगी बैठे रहेंगे, अगर चल लेंगे तो अपने पैर कुछ सारे के तो नहीं रहेंगे, क्या सोच के तुम सोचे। बहुत अच्छा मतलब आपने बोला, यही वजह है कि आपका जो इच्छा शक्ति है थोड़ा सा ज्यादा है और आपका जो रिकवरी है वो हो रहा है, नहीं तो बहुत लोग को हार मान जाते हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं गाना, जब 8 दिन हम एक्सरसाइज करते कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ मूवमेंट आता ही है मेरे मतलब, पहले हम पैर मतलब पट लेट जाते हैं और पीछे से पैर उठाओ, पहले नहीं उठता मतलब, उठता नहीं तिरछा उठने लगा मतलब, आज तिरछा उठेगा कल सीधा उठेगा, जब हम ठान लिया उठेगा समझो बात को। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी मतलब वो नहीं तोड़ना, हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। जी जी, मेरे साथ भी यही होता था कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, जब आप उसको जब बार बार लगातार उसको करते रहते हैं, कल आधा होगा, फिर परसों अधूरा होगा, फिर जाके मतलब पूरा पूरा कंप्लीट होगा। तो ये चीजें हैं गाइस, प्लीज आप भी अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वो भी डिसिप्लिन तरीके से। ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटा किया, कल 2 घंटा कर लिया, फिर से परसों 1 घंटा, नहीं, अपना एक रूटीन बनाइए और उसी रूटीन पे डेली प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, आप कुछ भी करो, मैं मन से करो मतलब, हमका जाएगा तुम एक्सरसाइज 24 घंटे करो, चाहे तुम 2 घंटे करो, कर ऐसे करो कामयाबी मिले मतलब, कहने का मतलब जो है कि 5 मिनट कर लो वो मतलब कामयाब नहीं है, 10 मिनट करो अच्छी करो मतलब, कहने का मतलब ये हमारा है मतलब, फोकस के साथ करो जो भी करो, आप फोकस के साथ करो, फोकस एक ठीक रखो, आप कॉन्सेंट्रेट वहीं रखो, हम सीधी बात है, पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने ऊपर ही रखो जो एक्सरसाइज कर रहे हो। जय सोच रहा है कि आज हम वीडियो पे 2 महीना पहले देख ली, आज हम फिर देख लेते हैं तो आज हम चल फिर होते, यही उम्मीद लगाए बैठे, कोई बात ना ऊपर बात जो चाहे बाकी लावा कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल चलेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। जी जरूर, हमने तो कितना 1-2 महीने पहले बात भी तो किया था, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे ऐसे मतलब करो, तो मैं को देखने के बाद ये एहसास हो कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सही बात। हाँ, तो और ये जो आपका वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि उनको भी ये एहसास होगा कि नहीं, अगर इसका भी सेम चोट है, सेम सब कुछ है, इसका स्क्रू रॉड भी लगा है, लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मान रहा, 3 साल हो गए लेकिन फिर भी डेली एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बस एक्सरसाइज है जो करना है, कोई काम करो मन से करो तो दिल से करो, ऊपर नाम लो सब सफल हो चले जाते काम, समझो बात का। जी जी जी, पहले हम निराश रहते मतलब, गुस्सा बहुत आते, क्रोध आते, बैठे आते, टाइम ना करते, अब टाइम कम पड़ रहा मतलब, एक्सरसाइज ज्यादा एक्सरसाइज कम पड़ जाइए, अब टाइम है ना हमारे पास, मुझे बात कहने का मतलब, न्यू लोग मेरे पहले नहीं होते, अब मतलब न्यू लोग थोड़े थोड़े होने लगे मतलब, कहने मतलब ये बताना चाहते हैं मतलब, पहले दोनों पैर नहीं होते थे मतलब, अब न्यू लोग वजन आता है मतलब, जाते हैं मतलब रोकने चाहूँ जितना, पहले रुकता है जब पैरों में वजन आ गए तभी रुक पाऊंगे, कब तक किसी मतलब हाथ पे रखे रहोगे, जब पैर में वजन आए तभी चल पाओगे। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है,
लॉकिंग अनलॉकिंग हो रहा है, धीरे धीरे बस वो प्रैक्टिस करती रहिए। जो लेग एक्सटेंशन है ना, लेग ऐसे देखिए, जब आपके पैर ऐसे पूरा सीधे हो जैसे आप बेड पे बैठे हैं, ठीक है, और आपका ये लेग है, जब आपका लेग ऐसे ऐसा होने लग जाएगा तो समझ लीजिएगा आपका नी लॉकिंग अनलॉकिंग होने लगा है। और फिर इसको जैसे ये पैर है, ये नीचे की साइड है, अब आप बेड पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे आपका पैर नीचे की साइड लटका है, तो जितना चाहे आप उतना देर तक वो होल्ड कर सके उठाने के बाद, अगर उठाने के बाद होल्ड कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका नी लॉकिंग अनलॉकिंग इम्प्रूव हो रहा है या फिर हो गया है। अगर हाँ, नीचे पैर लटका लेते उसमें बेड मान लेते एक किलो या दस सेकंड होल्ड करके हम उठाते रहते हैं, मतलब तब भी पहले ये काम करो, पहले वेट बांध के मत उठाओ, विदाउट वेट उठाओ, नॉर्मल जो आपका पैर का वेट है उसी से उठाओ। डेढ़ा पैर उठ जाता है मतलब काफी दिन से पहले, तब से मैं बेड बांध लगे है, सीधा नहीं उठता है। नहीं, मैं सीधा मतलब आप जैसे बेड पे लेटे हैं ऐसा नहीं उठता कि ऐसा नहीं उठता, जैसे बैठे हैं और नीचे पैर लटकाए हैं तो उठाए वजन बांध के, हाँ तो उठता है, हाँ ऐसे उठ जाता है। बहुत अच्छी बात है, तो मतलब सीधा लेट के नहीं उठा पाते, जैसे आप सीधा उठा लेते हैं फिर क्या नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं मतलब जो जैसे नीचे पैर लटका लो चार पैर नीचे और उस पे वजन बांधो, सीधे पैर सीधा नहीं उठता मतलब पैर, और डेढ़ा वाला उठ जाता है उसमें वेट बांध के, मतलब वजन बांध के। अच्छा, तो विदाउट वेट नहीं उठता है और वेट बांध के उठ जाता है, हाँ डेढ़ा वाला। ओके, तो देखिए ये भी एक तरह का पॉजिटिव साइन है, अगर आप वेट बांध के आप उठा पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो जो आप मतलब बोल रहे हैं ना विदाउट वेट का, उसका आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो भी 100% होगा, आज नहीं तो कल पक्का होगा, वो तो भाई उठेगा तो भाई, ये तो विश्वास मुझे है भाई। हम एक बात कहना चाहते हैं, आप वीडियो आप लोग बनाते वास्तव में ऊर्जा आ जाती है शरीर में, माइंड में वास्तव में ना लोग इतने लोग बैठे हैं जो निराश बैठे हैं, आप वीडियो देखते हैं एक ऊर्जा मिलती सबको, इसी वजह से रात में रिकवरी हो रही है। मैं इसीलिए देखिए, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं भी ऐसे ढूंढता था कोई कुछ मुझे मिल जाए, मैं देख लूं मुझे कुछ जानकारी कोई दे दे, तो उस टाइम पे कोई वीडियो बनाता नहीं था, तो फिर जब मैंने धीरे धीरे लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला सर आप अपना वीडियो बनाओ अपना वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने जब लोगों से बात करता हूँ फोन पे तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इनका वीडियो किसी और के साथ शेयर किया जाए, तो मैंने वो फिर चालू किया लोगों से जूम पे बात करने का, कि अगर मेरा स्टोरी आपका स्टोरी किसी को पहुंचता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते, जो मतलब अच्छे से कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे और आपका वीडियो देख उनको मोटिवेट मिलता है, वो तो है, तो फिर वो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सोचते हैं कर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो बस यही है, बस आप जितने सीआई भाई हैं जितने लोग हैं, बस आप अपना प्यार हम मेरे ऊपर बनाए रखना, मैं ऐसे वीडियो आप सबके लिए लाता रहूंगा। तो रजत भाई आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं गाइस मैं प्लीज फिर से दोहरा रहा हूँ कि प्लीज आप भी रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, सभी आपको रिजल्ट दिखेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो भाई हम तो ये कहते 3 साल में रिकवरी नहीं होती, मैं 3 महीने में समझ बात हूँ, यही बात मैं सोचते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, यही जो आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, यही आपको और आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, आप और रिकवरी कर लीजिए, हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम।